यहाँ पर मैं भेज दिया उसको। मेरा नाम महेश त्यागी, मैं अफ्रीका इंडिया से आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे आने के लिए। और मैं बता दूँ ये जो अफ्रीका इंडिया ने मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट जो एक स्टार्ट किया है वो इसके लिए क्या है, यहाँ पे मुंबई के अंदर जो भी आई फैक्ट्री है मैंने यहाँ पे जो बैल थे बर्फ होते थे, पहले का ज़माना और खास चल रहा था, लेकिन अभी क्या धीरे धीरे मैकेनाइजेशन का ज़माना आ रहा है, तो इनके लिए अफ्रीका इंडिया ने प्रोजेक्ट के तहत इसके सपोर्ट किया है। अभी तक हम 100 से ज़्यादा जो है ना ये बदल चुके हैं, जिसमें घोड़ा बुकिंग वाले थे और बैलगाड़ी वाले थे। तो ये अपना जो है वो जो एनिमल है वो एक हमारी फैमिली है सांगली में, तो वहाँ जाके अपने फाइव फ्रीडम जो होते हैं जैसे मनुष्य के अधिकार हैं, ऐसे 5 मुखिया पशु की नीति है, तो उसको अच्छा चारा मिले, अच्छा ट्रीटमेंट मिले, उसको अच्छी देखभाल मिले, वो सब सुविधा वहाँ मिलती है। और हमारी अफ्रीका इंडिया की कोशिश रहती है कि एक ऐसा जीवन जो कि इन पशुओं ने कभी सोचा ना हो उस तरीके का उसको जीवन वहाँ मिले, तो वो तो वहाँ पर मिल रहा है और इनका रोजगार का साधन में जो है बेटा सपोर्ट कर रहा है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने बहुत सारी संस्थाओं में काम किया पिछले 24-25 सालों में, अगर अधिकतर संस्थाएं जो एनिमल संस्थाएं मैडम वो ट्रीटमेंट करती है या अवेयरनेस करती है, जागरूक करती है लोगों को, लेकिन अफ्रीका इंडिया ऐसी है जो कि फाइनेंशियल तौर पर जो मदद करती है इनको, इनका रोज़गार अच्छा चले और इनका परिवार खुश रहे और ये जानवर जो है इसको खुश रहे, वो इसी के उसमें आज यहाँ 5 लाख रुपये ये प्रोग्राम रखा है। और इसी कड़ी में मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 शब्द कहेंगे। फिर उसके बाद अफ्रीका इंडिया को मैं खूब खूब अभिनंदन करूँगी कि सभी एनिमल हस्बेंड्री पे ऐसे जो गैर कानूनी उनको हमेशा जैसे आपने बोला घुमाया जाता था, लेकिन वो ज़माना और था कि जब भी हमको जिनको साथ को लेके चलते थे उनकी भी रोज़गार चलता था अपना भी रोज़गार चलता था। मेनका गांधी ने जब से वो संभाला उसके बाद में हमने एक उसके लिए एक पूरी एक नई एक फॉर्म बनाई और जिसके बाद में इस तरह के जो एनिमल्स थे उन पर जो अत्याचार एक अपने हिसाब से अत्याचार भी लगता था, आज भी कहीं कहीं गांव में जो इस तरह से एनिमल के दो चाकी रिक्शा ऐसे सब चला रहे थे और जो घोड़ा गाड़ी पूरे सब जगह चला रहे थे अपने साथ के वहाँ भी चलती थी मुंबई भर में, उसको निकाल कर फिर बाद में उसमें हमने इंसान को इस तरह से किया और आज वो इंसान को भी छोड़कर उसमें पूरी तरह से हमने उसको ऑटोमोबाइल किया। इसलिए सबसे पहले मैं भारत सरकार को अभिनंदन दूंगी कि आज ये जो प्राणी है जिनमें जान है, और मैं खुद जूलॉजिस्ट फ्रेंड हूँ, इसमें मैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के साथ में भी काम कर चुकी हूँ अफ्रीका के इस पे, और आज आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, सराहनीय है, जिस विषय में खास करके आप लोग अग्रसर हो रहे हैं आज और उनको एक जो मुझे लगता है जो बैलगाड़ी चला ही रहे थे उनको ही आप लोग दे रहे हो क्या, ये आज एक बड़ा कदम दे रहे हो कि उनको एक ऑटोमोबाइल जनरेटिंग करके आपने जो ये आइस फैक्ट्री वालों के लिए जो बर्फ सभी जगह सुविधा उपलब्ध कराते थे उनको आपने एक ऑटोमोबाइल वैन दिया है, वैसा उस माध्यम से ये जो प्राणी है उनको एक नई जान मिलेगी और कई सेंटर्स ऐसे खुले हैं जहाँ प्राणियों को इस तरह से कत्ल करने में जाने से भी बचाया जा रहा है। इसलिए अफ्रीका से मैं खुद खूब अभिनंदन करूँगी कि ऐसे आप पूरे देश भर में माँ गौ माता को भी बचाए और अन्य प्राणी जो हम लोग बोलते हैं निर्जीव हो जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनको अच्छी बेटरमेंट रहने के लिए उनको चारा डालने के लिए ऐसी गौशालाएँ और उनके प्राणी संग्रहालय के जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं मैं सभी को मैं कभी भी अगर मेरी जरूरत पड़ी तभी अवश्य मैं भी आपका साथ दूँगी। इसे सभी को मैं खुद खूब अभिनंदन करूँगी। आज जो सेंटर मेरे वार्ड में आप लोगों ने खुला है उसके लिए फिर से मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे बारे में विदा देती हूँ। Gracias.
अंदर।